दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत की 19 सीट के प्राप्त हुए रुझान पर 11 में कांग्रेस, 2 पर भाजपा और 5 पद पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का किया दावा। क्षेत्र क्रमांक 5 पर अटका पेच, भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी दोनों कर रहे हैं जीत का दावा। सारणीकरण के बाद होगी अधिकृत घोषणा। एक जुलाई को हुए दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के परिणाम के अनुसार 9 जिला पंचायत सदस्यों में 6 पर कांग्रेस, 1 में निर्दलीय, 1 पर भाजपा ने किया जीत का दावा। कटंगी जनपद पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 13 से कांग्रेस प्रत्याशी केशर बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 14 से कांग्रेस प्रत्याशी रविकांता महेश बोरकर, क्षेत्र क्रमांक 15 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका परते। लांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 7 से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति उमरे, क्षेत्र क्रमांक 8 से भाजपा प्रत्याशी डूलीचंद राजनेरे, क्षेत्र क्रमांक 9 से कांग्रेस प्रत्याशी मीना दशहरिये। किरणापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली कावरे, क्षेत्र क्रमांक 5 से कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी नहीं कर पा रहे हैं जीत का स्पष्ट दावा। क्षेत्र क्रमांक 6 से कांग्रेस प्रत्याशी मीरा सिंगंदूपे, इन सभी प्रत्याशियों ने किया अपने अपने जीत का दावा। बारिश शुरू होते ही जिला अस्पताल और निजी क्लिनिक में बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज जिला अस्पताल में रोजाना से ज्यादा कटने लगी है ओपीडी की पर्ची। प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों में बुखार के प्रति बड़ी जागरूकता, चेक कराने पहुंच रहे अस्पताल। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 10 जुलाई को रखी गई, उसके बाद फॉर्म भरने पर लगेगा फाइन। नगर के अंबेडकर चौक में शनिवार की दोपहर की अज्ञात ऑटो की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वार्ड नंबर 24 आकाशवाणी चौक निवासी राजेश हुआ घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टवेझरी में पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने महिला की जमकर की पिटाई, घायल अवस्था में 27 वर्षीय महिला सुनीता लिल्लारे का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। नवेगांव थाना के अंतर्गत ग्राम नवेगांव पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पर टहल रहे आकाश बघेल हुआ घायल। बारासरी नगर के देसी शराब दुकान में शराब पीने के बाद नरेंद्र आहिरवार नामक व्यक्ति ने जमकर मचाया उत्पात, स्वयं को बालाघाट पुलिस लाइन में पदस्थ होने की दी जानकारी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू की गई जांच। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के द्वारा हर साल की तरह रविवार को भी आयोजित की जाएगी श्रमोदय आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा। पद्मेश 24/7 में खबर दिखाने के बाद लालवरा पशु चिकित्सालय के द्वारा लगाया गया सूचना बोर्ड, पशुपालकों को कार्यालय पहुंचने में अब नहीं होगी परेशानी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद किरणापुर के ग्राम पंचायत हिर्री में मतगणना को लेकर जमकर हुआ बवाल, मतगणना में गड़बड़ी का लगाया गया आरोप। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जा रही 10वीं की पूरक परीक्षा का 2 जुलाई को विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के साथ हुआ समापन। बारासिमनी नगरीय निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आते ही निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी तैयारी कर दी गई शुरू, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण।
बारासनी वार्ड नंबर 3 बड़ी नहर से निकलने वाली छोटी नहर की सफाई नहीं होने से स्थानीय जनों में आक्रोश व्यक्त। पत्नी के तलाक को लेकर मायके चले जाने से मानसिक रूप से आहत होकर नवेगांव थाना के अंतर्गत बगदरा निवासी 28 वर्षीय दीपक दमाही ने किया जहरीली वस्तु का सेवन।